हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं। और आरबीएससी ने जो रिज़ल्ट जारी किया है, एक तो स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री का रिज़ल्ट जारी हुआ है, कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं और कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आई है। उसके बाद दो मॉडल आंसर की भी जो है जारी की गई है, और ये है सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की, ग्रुप सी और ग्रुप डी जीके की। ठीक है, तो आप लोग बहुत आराम से जो है वो आंसर की देखें। उसके बाद आपको यदि कोई डाउट है तो आप लोग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। यहाँ देखिए, 12 तारीख की कल की न्यूज़ है, प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम जीके ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोग पढ़ सकते हो कि आयोग के द्वारा दिनांक 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था जीके का, ग्रुप सी ग्रुप डी का, तो इसकी जो मॉडल उत्तर कुंजी है वो आ गई है वेबसाइट पर, और इससे मिलान कर लें। और यहाँ पर कोई भी आपत्ति हो अगर किसी भी क्वेश्चन में, यदि आपको लग रहा हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यदि आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है और आपका आंसर जो है वो गलत हुआ है, बोर्ड के द्वारा गलत कर दिया गया है, तो आप उस पर जरूर आपत्ति लगाएं, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर निर्धारित जो शुल्क है, यानी 100 रुपये जो है वो आपके खर्च होंगे पर क्वेश्चन। ठीक है, डेट दी गई है 14/6/2023 से लेकर 16/6/2023 तक। ठीक है, तो इस पर जो है वो आप विशेष ध्यान दें। यदि आपका सिलेक्शन बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है और आप एक क्वेश्चन जिस पर आपको डाउट है कि ये मेरा सही है, मेरे पास और जो है ऑथेंटिक प्रूफ भी है, तो आप लोग बिल्कुल आपत्ति लगाएं। दूसरी जो हम बात करेंगे वह बात रहेगी आपकी हिस्ट्री विषय फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के बच्चों का, जिनका भी चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका रोल नंबर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को, बहुत आराम से जो है वो आप लोग यहाँ रोल नंबर अपना देख लीजिए। ठीक है, और ये जो है वो आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर जो है वो अब बन जाएंगे, बहुत ही आराम से बनेंगे, और आपने जो भी मेहनत की है वो आपकी जो है अब सफल हुई है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बिल्कुल उन लोगों को भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है। तैयारी के लिए लगभग 6 महीना जो है वो आप लोगों को चाहिए होता है। अब आपकी जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ आए या उसके भी नेक्स्ट मंथ आए, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है वो 6 महीने जो आपको मिलने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। जो भी आपको यहाँ रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही रोल नंबर आप सबके भी यहाँ पर नज़र आएंगे, वाकई में आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो। टोटल जो हिस्ट्री में कैंडिडेट रहे हैं यहाँ 1629, दो गुना बच्चों को जो है यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा इनको। कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल में 254.21 गई है, और वहीं ईडब्ल्यूएस की 225.85 गई है, एससी की 208.54 गई है, एसटी की जो है 199.36 गई है, ओबीसी की 245.40 गई है, वहीं एमबीसी की 207.77 गई है। तो देखिए कि चार जो न्यूज़ हैं वो हमें कल की डेट में ही दिखाई दी हैं, जहाँ फर्स्ट ग्रेड में भी काम फटाफट से हो रहा है और सेकंड ग्रेड में भी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रोसेस है वो चल रहा है आरपीएससी की तरफ से। और बच्चों की उम्मीद भी यही है कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का पहले हो जाए, फिर सेकेंड ग्रेड का हो जाए, और उसके बाद थर्ड ग्रेड का नंबर आना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।